दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर को अपनी कमी महसूस करवाना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे असरदार तरीका बताऊंगी जिससे कि आप अपने पार्टनर को अपनी कमी महसूस करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी कमी महसूस करे, तो उसको आपको स्पेशल फील करवाना होगा। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान का आत्मा का नीड होता है कि वो स्पेशल फील करे, और सब चाहते हैं स्पेशल फील करना, क्योंकि सबको लगता है कि मैं स्पेशल हूँ। और अगर कोई उसको स्पेशल फील करवाता है, तो उसको लगता है कि यही इंसान है जो मुझे समझ सकता है, यही एकमात्र इंसान है जो मुझे समझता है, बाकी कोई भी नहीं समझता है। तो इसी चीज़ का आप इस्तेमाल करो अपने लाइफ में। पार्टनर को आपको कभी कभी स्पेशल फील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कभी कभी इसलिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ करोगे, तो पार्टनर के मन में एक अहंकार आ जाएगा, वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उसको कभी कभी स्पेशल फील करवाते हो, तो उसको ये चीज़ जेन्युइन लगेगा, और वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहेगी या फिर रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करना, पार्टनर को स्पेशल फील करवाते रहना कभी कभी। इससे क्या होगा, पार्टनर जब भी आपसे दूर रहेंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी कमी महसूस करने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपकी कमी महसूस करे, जब उसके पास आप ना रहो, तब आपके बिना वो तड़पे तड़से, उसको हमेशा खाली खाली सा महसूस हो, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और ये कौन सा काम है, यह है दोस्तों, आपको पार्टनर की तारीफ़ करना आना चाहिए। तारीफ़ आपको बहुत ही अच्छे से करना है, और तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप झूठा ही क्यों ना कर दो, लेकिन कोई भी इसको स्वीकार करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो तारीफ से आप किसी का भी दिल बहुत ही आसानी से जीत सकते हो। इस ट्रिक को इस्तेमाल करो, पार्टनर की तारीफ करो। लोग पार्टनर की तारीफ इसलिए नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है अगर हम पार्टनर की तारीफ करें तो पार्टनर भाव खाएगा, या फिर पार्टनर हमें भाव ही नहीं देगा, या फिर पार्टनर के मन में अहंकार आ जाएगा। तो इससे अच्छा है पार्टनर की तारीफ ही मत करो। लेकिन ये आप गलत सोचते हो दोस्तों, अगर आप पार्टनर की तारीफ करते हो, तो वो हमेशा आपसे चिपका रहेगा या फिर चिपकी रहेगी, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा पार्टनर ही सिर्फ मुझे समझता है, मेरा पार्टनर ही मेरा अच्छाई को देख सकता है। इसलिए तारीफ करना ना भूलना दोस्तों, बस इतना करना जिससे कि आपकी तारीफ चापलूसी ना लगे, मतलब हद से ज़्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर वो मान लो बहुत सज धज के तैयार होके आए हैं आपके लिए, तो एक कम्प्लीमेंट तो ज़रूर बनता है कि आज आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इस तरह से तारीफ करना आप ना भूलना, ठीक है। अगर आप तारीफ करोगे पार्टनर को, तब जब भी पार्टनर आपसे दूर रहेंगे, तो आपकी तारीफों को वो मिस करेंगे और आपकी कमी महसूस करेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपकी कमी महसूस करे, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा आपके लिए। यह है दोस्तों, उसके दिमाग से डोपामिन का रिलीज करना, क्योंकि डोपामिन है दोस्तों एक फीलिंग गुड हार्मोन। जब इंसान नशा करते हैं, चाहे वो कोई भी जिसका नशा करते हो, तो उस टाइम उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है, और इसलिए वो नशे की आदी हो जाते हैं, नशे का लत लग जाता है। इसी तरह से दोस्तों, जब आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, अगर आपकी बात इतने मज़ेदार हो, क्यूट हो, कि उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज हो, वो बहुत ज़्यादा गुड फील करे, तो फिर क्या होगा, वो आपकी आदी हो जाएगी, मतलब उसको आपका लत लग जाएगा, और वो आपको हर टाइम मिस करेंगे। अगर आप उसके सामने नहीं रहोगे, तो वो आपकी कमी महसूस करेंगे। तो ये बहुत ही असरदार कारगर तरीका है, साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है, इसको ज़रूर आप अप्लाई करना। अब दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपकी कमी महसूस करे, आपके बारे में दिन भर सोचे, तो आपको ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करना है। और ये ट्रिक है दोस्तों, आपको हमेशा अपने पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। अगर आप अपने पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी में रखोगे, तो पार्टनर के मन में हमेशा
क्रेज लगा रहेगा कि उसको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना है। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन सके। इससे क्या होगा, वो 24 घंटे आपके ही बारे में सोचेंगे और वो आपकी कमी महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही असरदार तरीका है, अपने लव लाइफ में ज़रूर यूज़ करना। देखना पार्टनर किस तरह से आपकी कमी महसूस करते हैं, आपकी बिना पल पल तड़पता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख देते हो, तो पार्टनर को ये सब कुछ सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी, तो उसको जो चाहिए वो तो उसको ऑलरेडी मिल ही रहा होता है ना। इसीलिए पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी में रखो, ताकि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में आने के लिए एक पागलपंती हमेशा सवार रहे। अगर ऐसा रहेगा तो पार्टनर आपको हर एक पल मिस करेंगे, हर एक पल आपके लिए तड़पेंगे। ठीक है, तो उसको लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपकी कमी महसूस करें, तो उसको इस चीज़ का मौका भी देना पड़ेगा। लेकिन आप उसको मौका ही नहीं देते हो कि वो आपकी कमी महसूस करे, और फिर आप देखते हो कि पार्टनर मेरी कमी महसूस नहीं कर रहे, मैं तो सारा ट्रिक्स इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, सारा ट्रिक्स इस्तेमाल कर भी लिए तो भी अगर आप उसको मौका ही नहीं दोगे, तो वो आपकी कमी कैसे महसूस करेंगे। इसलिए आपको मौका देना पड़ेगा। और मौका आप किस तरह से दे सकते हो, आप नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज़ करो, आप गैपलिंग फॉर्मूला का यूज़ करो, आप उसके साथ जो है ना थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो। जैसे आप सारी चीज़ों का अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपको मौका भी देना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट इस्तेमाल कर लिए, मौका नहीं दिए, तो फिर पार्टनर आपकी कमी कैसे महसूस करेंगे, है ना। तो आपको मौका भी देना है, उसके साथ बीच बीच में गैप कर देना है, अचानक से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाना है। ये सब चीज़ें करो, फिर देखो पार्टनर आपकी कमी किस तरह से महसूस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, ऐसे वीडियोस रेगुलरली जो आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना ना भूलना। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।